Jai Hind and a very warm welcome to Civil Staff UPSC. In today's session, we are going to take up 10 important MCQs from the Indian economy domain of your syllabus. So let's start with the first question. How many of the below given payers are correctly matched? First, progressive tax, that is tax as a percent of income decreases as income increases. Second, regressive, that is tax as percent increases as income increases. And third, proportional tax, that is tax as a percent of income remains constant as income increases. So you have to tell me how many of these payers are correctly matched. One payer only, two payers only, all the payers or none of the payers. All right, so let's take a look at the, you know, differentiation. देखिए जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की तो जब टैक्स का जो परसेंट है दैट विल इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस दैट विल नॉट डिक्रीज दैट विल बी इनकरेक्ट राइट सो फर्स्ट पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड सेकंड रिग्रेसिव टैक्स एज अ परसेंट ऑफ इनकम यू नो इंक्रीजेस एज इनकम डिक्रीजेस जिसका मतलब ये है कि ये भी गलत है एंड लास्ट प्रोपोर्शनल दैट इज टैक्स एज अ परसेंट ऑफ इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज इनकम इंक्रीज दैट इज फाइन So answer will be A, that is only one pair is correctly matched, that is the third pair. देखिए जब भी हम regressive tax की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि burden जो है tax का ज्यादा पड़ रहा है किस पे poor पे जो गरीब है उसके ऊपर ज्यादा burden पड़ रहा है and comparatively rich के ऊपर burden कम पड़ रहा है Progressive tax में हम देख रहे हैं कि the progressive taxes, you know, इसका जो burden है जो ज्यादा रिच है they will be charged more percent of tax. इसलिए इसको हम बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स तो जो भी आपके जनरली डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में एंड द वंस व्हिच आर इनडायरेक्ट टैक्सेस दे आर रिग्रेसिव इन नेचर राइट चलिए सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन यू कैन टेक अ लुक एट दिस मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ जॉन मेनर्ड कीन्स अमर्त्य सेन नन ऑफ द अबव सो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन शुडंट बी अ प्रॉब्लम आंसर सिंपल है यहाँ पे बी दैट इज जॉन मेनर्ड कीन्स की जो है एक इंपॉर्टेंट नोटेड बुक था जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1936 नाउ व्हाई दिस वाज इंपॉर्टेंट और व्हाई दिस बुक बिकेम अ पॉपुलर एंड सेलिब्रेटेड बुक वाज इसी के बाद से डिस्टिंग्विश हुआ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यू नो प्रोमिनेंटली केम अप एज अ सेपरेट ब्रांच विद इन इकोनॉमिक्स राइट ऑलराइट सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट Maximization of social welfare is the focus of macro. Second, micro is concerned with determination of output and price of an individual firm or industry. तो आपको यहाँ पे select करनी है कौन सी statement जो है वो सही है. One only, two only, both one and two, none of the above. तो देखिए दोनों ही statements यहाँ पे सही हैं क्योंकि हम जब बात करते हैं macroeconomics की तो macroeconomics चाहता है maximize करना social welfare को It is very, 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 you can say, broader outlook as compared to microeconomics. ये बहुत ही broad level पे deal कर रहा है. Micro, ये नाम ही देखो, micro जो है, deal कर रहा है with an individual, you can say, person or with an individual firm or an individual entity. कि केवल एक individual या एक individual firm के gain से relate कर रहा है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के उसको प्रॉफिट उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए उसकी आउटपुट कैसे बढ़ाई जाए एंड उसके इंडिविजुअल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए राइट सो दैट इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन यू कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बोथ वन एंड टू चलिए सो दिस यू कैन टेक अ लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स ऑलराइट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर Which of the following statements is or correct? Pehla, consumer goods are those goods which satisfy the wants of consumers directly. Second, public goods are non-rivalrous and non-excludable. Third, capital goods do not transform in the production process. And D, all of the above. So this is again a concept-based question from the, you know, very basics of economics. Jiska answer aap se umeed hai mujhe ki aap karke jo hai comment box mein batayenge zarur. देखिए प्लीज मेक श्योर दैट यू एंड अप मार्किंग योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स राइट तभी जो है इस सेशन को देखने का फायदा है ऑलराइट सो देखिए यहां पे सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं जब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए देयर इज अ शर्ट तो ये शर्ट क्या है आपकी नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है राइट व्हाट इज योर नीड इज टू यू नो प्रोवाइड योरसेल्फ क्लोथिंग और शर्ट जो है वो आपकी क्लोथिंग की नीड को फुलफिल कर रहा है लेकिन जब हम देखते हैं कैपिटल गुड्स व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स जो हैं, दे
you know, satisfy the demand of the consumer, but they satisfy it indirectly. कैसे indirectly satisfy करते हैं, देखिए इस बात को समझिए. Indirectly कैसे satisfy करते हैं कि जो मान लीजिए ये शर्ट है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक कैपिटल गुड जिसको हम बोल सकते हैं कि कोई सीविंग मशीन थी, सिलाई की मशीन थी जिसका प्रयोग किया गया, which was used, a sewing machine was used, है ना, सिलाई की मशीन का प्रयोग किया गया. ये सिलाई की मशीन as such मेरी डायरेक्टली जो वांट है क्लोदिंग की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन इस सीविंग मशीन को यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस शर्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो शर्ट मेरी डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर मेरी नीड को फुलफिल कर रहा है. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कैपिटल गुड ना क्या करता है, कंज्यूमर की फुलफिल कर देता है डिमांड या फिर उसकी नीड को सेटिस्फाई करता है इन एन इनडायरेक्ट मैनर. ठीक है, एंड कैपिटल गुड का एक ध्यान रखिएगा, जब भी हम कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में किसी गुड को डालते हैं तो वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में अपनी खुद की शेप चेंज नहीं करता. जैसे ये सिलाई की मशीन है फॉर एग्जांपल, एक अगर मान लीजिए फार्मर है वो ट्रैक्टर यूज कर रहा है, तो वो ट्रैक्टर जो है उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी. जब वो मान लीजिए बार बार जो है अपने फील्ड को प्लॉ कर रहा है, जब वो खेती कर रहा है, तो उस दौरान वो ट्रैक्टर की शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही है. दैट इज दे डू नॉट ट्रांसफॉर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, फिर पब्लिक गुड जो है दे आर नॉन राइवलरस एंड दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल. इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दिया जाए कि एक पब्लिक पार्क है या जो पब्लिक स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम है, उसमें अगर मान लीजिए आप भी चल रहे हैं सड़क पे, कोई और व्यक्ति भी चल रहा है उस पब्लिक गुड या सर्विसेज का फायदा उठा रहा है, तो उससे कोई ना तो आपको वहां पे एक्सक्लूड किया जा सकता है, इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल कि वो किसी की प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं है, किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं है. एंड अगर एक व्यक्ति कोई इस्तेमाल कर रहा है पब्लिक पार्क, तो दूसरे के लिए वो चीज जो है वो कम नहीं हो जाती, दैट डज नॉट रिड्यूस एट ऑल, राइट? सो दैट इज इट इज नॉन राइवलरस ऑल्सो. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये आप इसको डिटेल में यहाँ पे रीड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. पहला, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल विच ऑल्सो इंक्लूड रिप्लेसमेंट फॉर वेयर एंड टेयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. सेकेंड, addition to capital stock does not include the replacement for the depletion of capital stock is called net investment. C, GDP is the sum total of gross value added for all the firms in the economy. And D, none of the above. So again, a very, you know, basic concept based question and should be doable. Answer will be D, none of the above is incorrect. Tino hi tino statements sahi hain. Kyun? Kyunki jab hum dekhte hain ki hame agar net chahiye to hum ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस एंड वी गेट नेट. ठीक है जी, चलिए. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी. फर्स्ट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड सेकेंड, जीएनपी ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी लोअर दैन इट्स जीडीपी. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है. पहला तो बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन ही है, दूसरी गलत क्यों है, क्योंकि देखिए जो जीएनपी है दैट कैन बी इक्वल टू जीडीपी, दैट कैन बी ग्रेटर दैन और दैट कैन बी लेस दैन. कोई भी सिनेरियो हो सकता है. अगर मान लीजिए नेट फैक्टर इनकम जो आ रही है बाहर से, उसमें जो भी ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा उसके अकॉर्डिंगली इट कैन आइदर बी ग्रेटर दैन, इट कैन बी आल्सो लेस दैन, या फिर बराबर भी हो सकती है. ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ना ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इट कांट बी ट्रू, राइट? ठीक है, चलिए. सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म एक्सटर्नैलिटी यूज्ड इन इकोनॉमी. So first, an externality is an economic term referring to a cost or benefit incurred or received by a third party. Second, an externality can be negative but not positive. So आपको बताने कौन से statement यहाँ पे सही है? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो देखिए इसमें दोनों statement जो हैं उसको ध्यान से पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि externality की ये तो definition तो ये तो सही है, ये चीज गलत है. Externality can be both, it can be negative also, it can be positive also. कि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव का एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ, आपके पास कोई स्किल है, मे बी यू नो यू आर अ ग्रेट एसेट फॉर द कंपनी, कि आप एक डॉक्टर हो और आप यूपीएससी या एचएस क्लियर करके आप सर्विसेज में आ गए, लेकिन बाय प्रोफेशन या कह लो बाय एजुकेशन बाय क्वालिफिकेशन यू आर यू नो एन एमबीबीएस डॉक्टर, तो भाई आपकी वो वाली क्वालिफिकेशन जो है वो एसेट है आपके लिए, हमेशा आपके साथ ही रहेगी.
एंड वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे है कि अगर मान लीजिए आप एक HAS अधिकारी हैं या पे आप UPSC अधिकारी हैं या आप IAS हैं या आप PCS हैं कुछ भी हैं, तो उस केस में वो वाला स्किल सेट आपका कभी भी काम आ सकता है। मान लीजिए देयर इज अ डिजास्टर, राइट, यू हैव टू रीहैब, यू हैव टू रेस्क्यू पीपल, यू हैव टू प्रोवाइड देम एनी काइंड ऑफ फर्स्ट एड, तो वहां पे वो आपका स्किल सेट काम आ जाएगा जो पॉजिटिव एग्जांपल होगा एक्सटर्नैलिटी का। तो यहां पे आंसर विल बी ए, दैट इज ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement is incorrect? पहला, the persons engaged in quinary activities are referred to as gold collar professionals. Second, people engaged in primary activities are called blue collar workers. Third, the natural economic movement of a country goes from agrarian to an industrial to a service economy, but India jumped from an agrarian to a service economy. And D, none of the above. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। So simple, ये तीसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्राइमरी एक्टिविटीज को हम रेड कॉलर बोलते हैं, वी डू नॉट कॉल देम एज ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर इज फॉर सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, सो आंसर विल बी बी। चलिए ये आप यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ PQLI या फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टैलिटी, बेसिक लिटरेसी रेट एंड मेटर्नल मोर्टैलिटी। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 and 2 and 3 only. तो देखिए maternal mortality नहीं है इसमें, आपका आंसर हो जाएगा A, that is 1, 2 and 3. You have basic literacy rate, you have infant mortality and you have life expectancy which are a part of PQLI index. कि ये तीनों चीजें हम physical quality of life index के अंदर include करते हैं and it was developed by David Morris, right? चलिए, सो दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। 0 to 100 तक ये रेंज करता है, 0 इज वर्स्ट परफॉर्मेंस, 1 इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। ऑलराइट, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। अब इसके रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछा गया है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इफ द वैल्यू ऑफ IPD इज लेस देन 1, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज डिफ्लेशन इन द इकॉनमी। सेकंड, if the value of IPD is greater than 1, it indicates that there is inflation in the economy. चलिए देखिए, सिंपल सी बात है, implicit price deflator का सिंपल सी बात मतलब होता है GDP deflator को हम implicit price deflator भी बोल देते हैं, right? And GDP deflator में what do you combine? How do you obtain the GDP deflator? You divide the nominal GDP by the real GDP. ऊपर है आपका nominal वाला, नीचे है आपका real वाला. एंड नॉमिनल वाला क्योंकि इन्फ्लेटेड है, उसमें प्राइस का वेरिएशन जो है वो इंक्लूडेड है, तो उस प्राइस के वेरिएशन को खत्म कर देता है जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं रियल GDP से। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, ये दोनों ही आपको यहाँ पे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर का बता रही है। अगर ये एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ, देखो एक से ज्यादा कब होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल है, सिंपल सी बात है। अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एक से कम होगा, ऑपोजिट है तो एक से ज्यादा होगा, राइट? चलिए, सो दैट इज योर एक्सप्लेनेशन विच यू कैन रीड रिगार्डिंग GDP डिफ्लेटर या फिर इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस सेशन। यार एक बार जाते जाते उस हिट लाइक वाले बटन को हिट कर दो, है ना, डू शेयर द सेशन, डू स्प्रेड द नेम एंड कीप कमिंग, कीप ट्यूनिंग इन। बहुत सारा वैल्यू, बहुत सारा क्वालिटी वाला कंटेंट जो है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन अ वीकली बेसिस। चलिए, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।